भारत के इतिहास में यदि जख्मों का इतिहास है, बलिदानों की गाथा है, तो वीरता का वो चरम भी है जिसको हम इतिहास के पन्नों में पढ़कर उसकी अनुभूति कर सकते हैं। आज हम एक ऐसे इतिहास की ही बात करेंगे जिसमें एक भारतीय वीर ने बाहरी आक्रांता को मारकर उसको फेंक दिया था और उसकी लाश को चिलकौओं को खाने के लिए छोड़ दिया था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र वैद्य अभिषेक कुमार वत्स और आप देख रहे हैं अपना विश्वसनीय चैनल अग्निवेश वैदिक संस्कार सेवा समिति। आज हम बात करेंगे राजा सुहेल देव के पराक्रम के बारे में। ऐसे ही वीडियोस को पाने के लिए वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। ये घटना सन 1034 से 1150 के बीच की है, उस वक्त जब विश्व पटल पर एक राष्ट्र अपने विज्ञान और धर्म के बल पर पूरे विश्व में सोने की चिड़िया कही जाती थी। उस समय पूरे विश्व के जितने भी राजा थे उन सब की नज़र भारत के सोने और यहाँ के वैभव पर पड़ चुका था। ऐसे में एक तुर्क राजा जिसका नाम मोहम्मद गजनवी था, उसकी भी नज़र भारत के इस वैभव पर अवश्य पड़ी। उस समय तुर्क आक्रांता मोहम्मद गजनवी ने भारत पर आक्रमण करके और उसके सोमनाथ मंदिर की अस्मिता को छिन्न भिन्न कर दिया और वहां से सोने की बहुत बड़ी लूट की। ऐसे में उसकी नज़र भारत और भारतीयों की अस्मिता को रौंद कर यहाँ के तख्त पर कब्जा करना था, इसलिए उसने अपने सेना को अलग अलग हिस्सों में बांटकर भारत के अलग अलग हिस्सों में भेजना शुरू कर दिया। एक तरफ विदेशी तुर्क आक्रमण और दूसरी तरफ भारत के राजाओं की आपसी फूट यहाँ के राज रजवाड़ों को लगातार कमजोर करती जा रही थी। ऐसे में गजनवी ने अपने भांजे सैयद सायल सलार गाजी को भारत के उत्तरी सीमा जो नेपाल बॉर्डर से सटा हुआ था उस क्षेत्र में युद्ध और आक्रमण के लिए भेजा, क्योंकि उधर गजनवी का आक्रमण पहले ही भारत पर हो चुका था और उसने सोमनाथ मंदिर पर भारी लूटपाट की थी, जिसके कारण भारत के बहुत सारे राजाओं ने तुर्क सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। लेकिन उस समय के ब्रिटिश गैजेट के अभिलेखों को यदि ध्यान से देखें और पढ़ें तो उसमें हमको मिलेगा कि उस समय भारत के कुछ तटवर्ती सीमावर्ती क्षेत्र जो नेपाल के आसपास थे, जिसमें गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती आदि जिले आते हैं, वहां के राजाओं में विद्रोह की ज्वाला अंदर ही अंदर भड़क चुकी थी, जो कि तुर्क आक्रांताओं के खिलाफ थी और वो चाहते थे कि कोई ना कोई साजिश करके वो क्रांति और विद्रोह करके हिंदू अस्मिता को वापस ले आएं। ऐसे में गजनवी ने नेपाल के आसपास जो भारत की सीमा के राजा थे उनके यहाँ जो विद्रोह की आग धीरे धीरे सुलग रही थी उसको पूरी तरह से रौंदने और भारत की अस्मिता को नेस्तनाबूत करने के मनसे से अपने भांजे सैयद सलार गाजी को सन 1100 ईस्वी के आसपास यहाँ पर आक्रमण के लिए भेजा। सैयद सलार गाजी एक बड़े लाव लश्कर के साथ भारत के इस क्षेत्र में आक्रमण के लिए आगे बढ़ता चला आ रहा था और रास्ते में जितने भी भारतीय राजा मिले उनकी अस्मिता को रौंद कर उनको धन को लूटते हुए गाजी बड़े ही गर्व के साथ भारत के इस उत्तरी सीमा की तरफ धीरे धीरे अपनी सैन्य बल को बढ़ाते हुए चला आ रहा था। क्योंकि सैयद सलार गाजी हिंदुस्तान के राजाओं को हराते हुए आ रहा था तो उसका सीना गुरूर से काफ़ी चौड़ा था और धीरे धीरे वो बहराइच के बॉर्डर पर आ धमका। इतिहास गवाह है कि उस दिन बहराइच के राजा और आसपास के ज़िले के जितने भी राजा थे उनके मन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि कहाँ है वो वीर, कहाँ है वो हिंदू रक्षक और कब आएगा। सभी राजाओं की आँखें अब बड़ी ही उम्मीद से अपने भगवान की तरफ टिकी थी। उस वक्त सैयद सलार गाजी को भी ये बात नहीं पता थी कि भारतीय संस्कृति को रौंदने का दंड अब उसको मिलने वाला है। उधर बहराइच के उत्तर में एक राज्य श्रावस्ती जिसके राजा मोरध्वज, यदि आप मोरध्वज के बारे में पता करेंगे तो उनका जीवन बड़े ही गरीबी में बीता था, तो उनके बड़े पुत्र राजकुमार सुहेल देव जिन्होंने गरीबी को देखा था और जिनके मन में भारत की आन बान शान और हिंदू संस्कृति के लिए विशेष इज्जत थी, राजा मोरध्वज और सुहेल देव का कलेजा ऐसे विभत्स स्थिति को देखकर फट चुका था। बहराइच बॉर्डर पर खड़ी तुर्क सेना ललकार रही थी
और ऐसे में उस दिन सन 1134 को जब तुर्क सेना बहराइच बॉर्डर पर खड़ी थी, ऐसे में एक सूरवीर की एंट्री उस युद्ध में होती है और उसका नाम था महाराजा सोहेल देव। चौड़ी भुजाएं, बड़ी बड़ी आँखें और जय भवानी के जयकारे के साथ एक बड़ी सेना को लेकर महाराज सोहेल देव तुर्क सेना के सामने सैयद सलार गाजी को अपने पराक्रम दिखाने के लिए आमंत्रित कर रहे थे। एक भीषण युद्ध हुआ। इस भीषण युद्ध में सैयद सलार गाजी की सेना और सैयद सलार गाजी बहुत बुरी तरह से पराजित हुआ। ऐसा युद्ध इतिहास के कुछ वामपंथी इतिहासकारों ने इस इतिहास को लिखने से इनकार किया, लेकिन आप जानते हैं कि इतिहास यदि पन्नों में न लिखा जाए तो वहाँ के जनता उसको अपने सीने में संजो कर रखती है। आप कभी भी बहराइच, गोंडा, श्रावस्ती आज जाएंगे तो सुहेलवा जंगल और राजा सुहेल देव की चर्चा जन जन के ओठों पर मिलेगी। कहा जाता है कि राजा सुहेल देव का एक तीर सैयद सलार गाजी के गर्दन को छेद कर पार कर गया था। ऐसे में वो तड़प कर जमीन पर गिरा, क्योंकि उसने बड़ी ही विभत्सना से भारतीय राजाओं पर आक्रमण किया था, इसलिए उसको वहाँ पर अधमरे हालत में राजा सुहेल देव छोड़कर चले गए, जिसको बाद में कौओं, जंगली भेड़ियों और कुत्तों ने नोच नोच कर सैयद सलार गाजी की लाश को खा लिया। इस्लामिक ग्रंथ मिराते मसूदी में सैयद सलार गाजी और राजा सुहेल देव के बारे में लिखित चर्चा मिलती है। हालांकि हमारे देश की ये बहुत ही दुर्भाग्य का बात है कि इसी सुहेल देव के इतिहास को अलग अलग जातियों जैसे पासी समाज के लोगों ने उन्हें अपना राजा बताया, राजपूतों ने उन्हें अपना राजा बताया, राजभर ने उन्हें अपना राजा बताया, लेकिन राजा सुहेल देव उस वक्त इतिहास के पन्नों में जैसे उनकी प्रतिमूर्ति उभर कर आई, वो एक हिंदू रक्षक के रूप में सामने आए। आज भी बहराइच में इस इतिहास को संजोने के लिए एक विशेष परंपरा का आयोजन किया जाता है। जिस दिन सैयद सलार गाजी की बारात आती है उसी दिन हिंदू समाज विजय दिवस मनाता है, और ये वो कार्यक्रम है जिससे उस हजार साल पुराने इतिहास को आज भी संजो कर रखा गया है। मैं इसी के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूँ। मैं आपका मित्र वैद्य अभिषेक कुमार वत्स, नमस्कार।